नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला कलकत्ता और हैदराबाद के बीच जो मैच होने वाला है उस पर आप कैसे टीम लगा सकते हैं। और ये 19वां मैच होने वाला है और ये मैच 14 अप्रैल को होने वाला है 7:30 PM यानी कि शाम को। तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसे आसानी से टीम लगाकर अच्छे से अच्छे रुपए को आप अर्न कर सकते हो और अपने वॉलेट पे ऐड कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना प्राइज को चुन लेना, आप कितना प्राइज में आप खेल सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं 50 लाख वाला। तो मैं चलिए आपको 50 लाख वाला में जाके दिखाता हूँ, जहाँ पे 39 रुपीज आपको पे करना होगा। अगर विकेट कीपर की बात करें तो आप विकेट कीपर में बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको शॉर्ट पे बताऊंगा। अगर आप इस एप्लीकेशन को, मैं विजन 11 पे मैं खेल रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हो 4 घंटा सिर्फ बचा हुआ है। ठीक है, 4 घंटा ये मैच स्टार्ट होने में सिर्फ बचा हुआ है और ये जो मैं टीम बना रहा हूँ ये विजन 11 पे बना रहा हूँ। अगर आपको ये डाउनलोड करना तो मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट कहीं पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप आराम से जाके डाउनलोड करना। और ये रेफर कोड आपको जो दिख रहा है, ये रेफर कोड यूज करोगे तो आपको 500 रुपये आपका वॉलेट पे ऐड हो जाएगा, जहाँ से आप फ्री में आप टीम लगाकर जीत सकते हो लाखों रुपये और करोड़पति बन सकते हो आराम से। तो मैं विकेट कीपर कलकत्ता के टीम से आर गुरबाज को चुनने वाला हूं क्योंकि ये एक अच्छा प्लेयर है और इसीलिए मैं इस समय आज मेरे को डाउट हो रहा है, इसलिए मैं आर गुरबाज को चुनने अगर आर गुरबाज को चुनने वाला हूं। और बैटिंग में बात करें तो राणा को मैं चुनने वाला हूं और रिंकू सिंह को तो मैं चुनूंगा, कहा कि ये बैट्समैन तो बहुत अच्छा, आप जानते हैं कि इसने 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर कलकत्ता को जिताया था, जो बहुत बहुत बड़ा बात है और ये अभी बहुत चर्चे में चल रहे हैं। एम अग्रवाल, आर त्रिपाठी, ये सबको मैं इनमें से एक को चुन लेता हूं, तो मैं त्रिपाठी को चुनूंगा क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है। और ऑलराउंडर की बात करें तो एस ठाकुर को लेना चाहता हूं क्योंकि ये भी बेस्ट ऑलराउंडर में से एक है। और सेकेंड में बात करूं तो हैदराबाद से डब्लू संदर को लेना चाहता हूं क्योंकि ये भी एक बेस्ट ऑलराउंडर में से एक है। सुनील नारायण को आप ले सकते हो, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन में से एक है। और एक और मैं चुन लेता हूँ और एक मैं लगा देता हूँ, मार्केन को लगा सकता हूँ, ये भी हैदराबाद से एक बेस्ट प्लेयर में से एक है। और बॉलर्स में बात करें तो मैं बॉलर में आपको बहुत बेस्ट बॉलर को आपको मिल रहे हैं, तो यू मलिक को मैं चुनना चाहता हूँ, ये भी एक बेस्ट बॉलर में से एक है। फर्गसन को मैं चुनना चाहता हूँ, ये भी कलकत्ता की तरफ से बेस्ट बॉलर में से एक। अगर ये हाँ, अगर आप नहीं हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप एमएस धोनी के फैन हो तो प्लीज कमेंट में आप अपना एमएस धोनी के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो बता देना, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त भी अगर ड्रीम इलेवन में या विजन इलेवन पे कहीं पे आप अगर टीम लगाते हो तो आप मेरे जरिए से वो टीम लगाकर लाखों रुपये अर्न कर सकते हैं, लाखों तो कम से कम हजारों तो आराम से अर्न कर सकते हो आप। और कलकत्ता की तरफ से मैं खेजरौलिया को चुनना चाहता हूँ क्योंकि ये भी एक बेस्ट बॉलर में से एक, नंबर वन बॉलर है ये, और मैं कंफर्म कर देता हूँ इसे। और कैप्टन की बात करें तो मैं मार्केन को कैप्टन चुन लेता हूँ और वॉइस कैप्टन की बात करें तो मैं ठाकुर को वॉइस कैप्टन में चुन लेता हूँ और इसे सेफ टीम में कंफर्म कर दे। तो आप इसी टीम को लगाकर आप लाखों रुपये आराम से अर्न कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।